ஒரு புது லீடர். 68 இன்டர்நேஷனல் சக்சஸ்ஃபுல் ஆபரேஷன். ஹாஸ்டேஜ் நெகோஷியேட்டர், ஃபீல்ட் ஏஜென்ட், ஸ்பை. இன் ஷார்ட், ஹி இஸ் அ கோட் ஆஃப் சாட்ஸ். सेनापति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जा रही है वो रिलीज हो चुकी है। तो आज हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को कर लेना जल्दी से सब्सक्राइब। वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका रन टाइम 3 आवर्स है, जो थोड़ा सा कम हो सकता था। इस फिल्म में थलापति विजय ने बाप और बेटे दोनों का रोल निभाया है। आपको फिल्म में बाप के पास की कहानी को देखने मिलेगी, कैसे और क्यों उन्होंने आर्मी छोड़ दी और बेटे की अपनी अलग जर्नी भी एक्सप्लोर की गई है। स्टोरी का असली चार्म ये है कि बाप और बेटे का माइंडसेट अलग होने के बावजूद भी पास्ट और प्रेजेंट को काफी अच्छे तरीके से जोड़ा गया है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तो बस एक सिंपल सी रॉ एजेंट वाली स्टोरी है कि टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और रॉ एजेंट्स उसे पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म में इतने सारे पास्ट और प्रेजेंट के ट्विस्ट है, जब भी विजय थलापति बाप और बेटे के कैरेक्टर में आते हैं तो एक अलग लेवल का गूज़बम्प्स फील होता है। थलापति विजय ने फादर के कैरेक्टर में तो कमाल कर दिया है। बेटे का कैरेक्टर थोड़ा ठीक ठाक है और जो यंग विजय का लुक है वो थोड़ा फेक लगता है। एक्शन सीक्वेंस तो अनदर लेवल है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो उस वक्त चलता है वो उस सीन को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। स्पेशली वो बाइक चेज वाला सीन जिसे फॉरेन में शूट किया गया था वो तो टॉप नॉच है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग भी काफी इम्प्रेसिव है। और हाँ, इसमें एक स्पेशल कैमियो भी है जिसे देखने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। फिल्म का टाइटल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सच में थलापति विजय के लिए ही बना है एंड ही हैज ट्रूली प्रूव्ड इट। ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनिंग है और पैसा वसूल है, तो देर मत करो, जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लो। होप आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।